अब नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ क्वेश्चन, एक्सरसाइज 13.1 का सिक्स्थ क्वेश्चन। इसमें क्या है कि जो टेबल दी हुई है उसमें क्या है कि डेली एक्सपेंडिचर दिया हुआ है रुपीज में और नंबर ऑफ हाउसहोल्ड यानी फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है आप इसको चाहें ऐड कर लें, ये ऑलरेडी हमें दिया हुआ है 13। तो 4 और 5 9, 9 और 4 13 और 24। तो नंबर ऑफ हाउसहोल्ड यानी फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू दी हुई है हमें और 25 इसकी ऑलरेडी हमें गिवन है, तो सिग्मा एफ आई की वैल्यू क्या आएगी 25। आप इनको ऐड करेंगे तो भी 25 भी आएगा। तो हमें क्या है, हमें निकालना है मीन ऑफ डेली एक्सपेंडिचर, फाइंड द मीन ऑफ डेली, फाइंड द मीन ऑफ डेली एक्सपेंडिचर ऑफ फूड इन रुपीस बाय सूटेबल मेथड। तो मतलब वही है कि आपको सबसे आसान मेथड यूज करना है, और वो कौन सा है, स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसमें क्या है कि एफ आई की तो वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, अब पहले हम इस क्लास इंटरवल से एक्स आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक्स आई की वैल्यू सेम अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो 150 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2 यानी 125, 200 प्लस 150, 350 डिवाइडेड बाय 2 175, 250 प्लस 200, 450 डिवाइडेड बाय 2, 225, 300 प्लस 250, 550 डिवाइडेड बाय 2, 275, 350 और प्लस 300 यानी 600 डिवाइडेड बाय 2, 325। एक्स आई की वैल्यू, अब नेक्स्ट हमें स्टेप डेविएशन मेथड में क्या निकालनी है, वाई की क्या होती है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। अब ये क्लास इंटरवल कितने हैं, 5 क्लास इंटरवल। तो ए यानी अज्यूम मीन की वैल्यू क्या आई, थर्ड वैल्यू यानी 225। एच यानी क्लास साइज, इनमें डिफरेंस कितना है 50 का, तो क्लास साइज क्या है 50। तो एक्स आई यानी 1 माइनस ए 125 माइनस 225 डिवाइडेड बाय एच 50, तो ये आया 100 माइनस के डिवाइडेड बाय 50, तो माइनस, तो पहली वैल्यू क्या आई माइनस के 2, 175 माइनस 225 यानी माइनस 50 डिवाइडेड बाय 50 माइनस 1, 255 माइनस 255 और 225 माइनस 225 0, 275 माइनस 255 यानी 50, 50 डिवाइडेड बाय 51 और 325 माइनस 225 100, 100 डिवाइडेड बाय 52। एफ आई यू आई की वैल्यू नेक्स्ट निकालेंगे हम, तो एफ आई इंटू में यू आई यानी 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8, 5 इंटू माइनस 1 5 माइनस 5, 12 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2 और 2 2 4। स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालने के लिए a प्लस क्या फार्मूला, a प्लस h u बार। अब u बार की वैल्यू क्या है, u बार की वैल्यू है सिग्मा f i u i अपॉन में सिग्मा f i, सिग्मा f i u i यानी f i u i की वैल्यू को ऐड कर देंगे, तो माइनस की वैल्यू कौन कौन सी, 8 और 5, तो माइनस 13 प्लस 6, 2 और 4 6, तो माइनस 7। तो सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी आई, माइनस 7 और सिग्मा एफ आई कितना है 25, तो यू बार की वैल्यू क्या आई माइनस के 7 बाय 25। तो एक्स बार यानी ए अज्यूम मीन की कितनी वैल्यू है 225 प्लस एच यानी 50 इंटू में माइनस 7 बाय 25 यानी 25 से 50 कट गया तो ऊपर, तो 2 इनटू 7 माइनस के 40, तो एक्स बार की क्या वैल्यू है यानी मीन की 225 माइनस 14, तो ये आया 211 मीन। मीन ऑफ डेली एक्सपेंडिचर ऑफ फूड कितना आया 211 रुपीस, ये हमें इस क्वेश्चन में निकाला था।
तो स्टेप डेविएशन मेथड से क्या है कि कैलकुलेशन काफी इजी हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7।